पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब दो बसें आमने सामने टकरा गईं। बसों के टकराने से लगभग दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उनका इलाज कर उन्हें घर वापस भेज दिया। दरअसल मामला मुरादाबाद जनपद के थाना भोजपुर क्षेत्र का है, जहां पर मुरादाबाद से काशीपुर की ओर और काशीपुर से मुरादाबाद की ओर आमने सामने दो बसें आ रही थी। कोहरे के चलते दोनों ही बसें आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त लगी कि लगभग दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि कोहरे की वजह से बस ड्राइवर को कुछ नजर नहीं आया, जिसकी वजह से दो बसें आपस में टकरा गईं। कैसा हुआ यार सर? आपसे क्या बोलूं, एक काशीपुर से आ रही थी, एक मुरादाबाद से आ रही थी, फिर वह सामने से टक्कर हो गई। आप कहाँ थे उस टाइम? मैं तो अपना सामान निकाल रहा था। फिर कितने लोग घायल हुए? लगभग घायल ही क्या, वो हल्की फुल्की चोट आ गई। सुबह 7:30 बजे के आसपास एक बस काशीपुर से आ रही थी, एक बस जो है आपका मुरादाबाद से आ रही थी। दोनों आपस में जो है भोजपुर से थाने से 100 मीटर की दूरी पर आपस में टकरा गई, जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।